पौड़ी सतवी जे जुग चारे आ जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोय चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जगले जे तिस नदर न आवई ता वात न पुछे के कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतया गुण दे तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे। नानक देव जी कहते हैं यदि चारों युगों में की आयु और उससे भी दस गुना तुम्हारी आयु हो जाए नौ खंडों में के लोग तुम्हारी प्रसिद्धि हो जाए इस सृष्टि के सभी लोग तुम्हारे साथ चलने लगे हो तुम्हारा नाम अच्छा प्रसिद्ध नाम हो जाए सारे जगत में तुम्हारी कृति हो फिर भी अगर उसकी दृष्टि तुम पर न हो तो कोई इसकी बात नहीं पूछता है उसको कीड़ों में से एक कीड़ा कह के दोषियों में भी दोषी ठहराया जाता है। परमात्मा गुणहीनों को गुणी करता है और गुणवानों को गुण देता है परंतु ऐसा कोई नज़र नहीं आता है जो उसके ऊपर कोई गुण करे। तुम्हारा आयु चारों युगों के मिलाकर के भी दस गुना हो जाए तो पर भी हमारी आकांक्षाएँ समाप्त नहीं होती। गुरु नानक देव यत्र तत्र भ्रमण करते हैं जहाँ वो यत्र तत्र भ्रमण करते हैं जहाँ रुकते हैं वही तीर्थराज प्रयाग हो जाता है। संत जो है तीर्थराज पर जहाँ चलता है वहीं सत्संग करने लगता है और वहीं त्रिवेणी संगम हो जाती है। इसीलिए जितना आपको तीर्थराज प्रयाग त्रिवेणी संगम में स्नान करने से महात्मा नहीं मिलता है उतना संतों के सत्संग में महात्मा मिलता है। गुरु नानक देव चलते फिरते तीर्थराज चलते फिरते लाहौर पहुँच गए हैं और लाहौर में संयोग से एक बड़ी अटालिका देखकर भिक्षुक के भिक्षा के लिए रुक गए। कल मैं बताया कि एक भिक्षुक भी होते हैं जिसको आप दूर से ही कुछ देकर हटा देते हो एक भिक्षुक होता है जिसका तुम स्वागत करते हो। भगवान बुद्ध भी भिक्षा पर निकलते हैं तो स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं भगवान महावीर भी निकलते हैं तो स्वागत करने के निकलते हैं ये भी भिक्षा के लिए निकले हैं। एक बड़े अटालिका देख करके रुक गए दीवार खटखटाए उसका सेठ आया नहीं चाहते हुए भी स्वागत करना पड़ा कुछ काम नहीं चाहते हुए भी करना पड़ता है सेठ स्वागत करने के लिए गया तब पता चला कि यह सेठ जो है इस नगर का सबसे बड़ा कृपणा आदमी सबसे बड़ा माइजर लेकिन उनका स्वागत किया खाना वाना खिलाया होगा। जब चलने लगे नानक देव तो कृपण आदमी हरदम कुछ लेना जानता है देखो कृपण आदमी लेना जानता है हरदम इसीलिए कृपण आदमी को पेट की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज़्यादा होती है एकाद कोई हो जाए तो उसकी दूसरी बात है अपवाद लेकिन यह इसलिए क्यों मल जो है पीला होता है सोने की तरह सोना भी पीला होता है इसलिए वह मल भी निकालना नहीं चाहता है तो वह सेठ भी उसी में से था। गुरु नानक देव अपने चलते चलते अपने अंदर से पॉकेट से एक कुर्ते से निकाले एक पिन कहे कि सेठ यह रख लो हम फकीर हैं स्वर्ग में जाना तो हमको वहाँ आएंगे दे देना कोई हमारा कपड़ा फटेगा तो वहाँ सिल लेंगे यह रख लो तुम ले जाने में समर्थ है इसलिए चलना तो हमको वहाँ दे देना ले लेंगे। सेठ कहा कि महाराज आप तो साधु हैं संत हैं महात्मा हैं और आप ये नहीं समझते हैं कि यह सुई जाएगी वहाँ पर कहा कि नहीं जाएगी कहा कैसे जाएगी आप तो धर्म की बात कर्म की बात करते हैं जाता है कुछ भी कहा कि सेठ तुम इतने कृपण हो किसी साधु संत महात्मा आता है उसे कुछ देते नहीं हो निराश लौटाते हो पैसे जोड़ जोड़ कर इकट्ठा इसलिए न करते हो वहाँ जाएगा तो साथ ले जाएगा तो हम समझे कि इतना दब धन दौलत लेकर जाएगा ही तो हमारा एक सुई भी लेते जाएगा वहाँ दे देगा। देखो समय का सदगुरु जब आता है तो थप्पड़ लग जाता है सेठ का उन्हीं से उद्धार लिखा होगा और सेठ उनके पैरों पर गिर गया कहा कि प्रभु मेरी आंख खुल गई अब हम ऐसा नहीं करेंगे। तो देखो इसीलिए संत जो हैं ये तत्त्व परिभ्रमण करते हैं जिसे कोई संबंध नहीं होता है परिचय नहीं आता उसका भी दरवाजा खटखटा देते हैं
क्योंकि यह जन्मों जन्म से हम चले हैं, पता नहीं किस जन्म में उसको हम वादा किए थे कि हम तुझे बोध को उपलब्ध कराएंगे। इसलिए जो उस संत को बोध पुरुष को डांटता है फटकारता है, उसके दरवाजे पर पहुंच जाता है। वह जानता है कि माया के कारण तू उसे भूल गया है, वह तो नहीं भूला है। बुद्ध के साथ भी जो चार ब्राह्मण तपस्या करते थे, जब बुद्ध ने सुजाता नाम की लड़की के हाथ का खीर खा लिया, सुजाता नाम है, जरूर निम्न जात की रही होगी, इसलिए उसे लो भाग गए कि है तो इस लड़की के हाथ का छुआ हुआ खीर खा लिया। चारों ब्राह्मण भाग गए, काशी सीधे आ गए। बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तब सोचे कि पहले किसको दें, तो सोचे कि जो बहुत नज़दीकी है, हमसे कहे थे कि जो जिसको मिलेगा वो देंगे, पहुंच गए सीधे सारनाथ में चले गए थे। सारनाथ में शायद उनकी दुकानदारी चल गई थी, महंत वंत बन जाते हैं ना आश्रम में। बुद्ध जब देखे कि आ रहे हैं अकेले, तो चारों अपने बात करने, देखो वो आ रहा है भ्रष्ट आदमी आ रहा है, भ्रष्ट उस लड़की के हाथ का खा लिया है, देखो तुम उठना मत। कहा ठीक। दूसरा से कहा गया तुम उसका जो हाथ में चीवर कमंडल लिया है मत लेना, ग्रहण करना। तीसरा कहा कि नहीं, हम उसको बैठने के लिए नहीं कहेंगे। चौथा कहा कि पानी नहीं पिलाएंगे। निर्णय तो कर लिया। बुद्ध जैसे ही उसके नज़दीक पहुंचे, चारों हड़बड़ा कर खड़ा हो गए। कोई उसका चीवर ले लिया, कोई उसको बैठने लगा, कोई पानी लेकर पिलाने लगा, कोई उसको चीवर झोलने लगा। रुक नहीं पाओगे ना, तुम्हारा तथा कथित संकल्प काम नहीं कर पाएगा उसके सामने। उसी तरह से सेठ का संकल्प काम नहीं किया कृपणता का, गिर गया। तो यही बुद्ध पुरुष की यही स्थिति है कि संसार में चाहे जितना भी दौड़ लगाओ, दौड़ लगा लगा कर थक जाओगे, और जहां जहां तुम उम्मीद करोगे वहां वहां तुझे असफलता मिलेगी। जिस जिस पर हम विश्वास करेंगे वह लात मारेगा। संसार का दौड़ असफलता का दौड़ है। तथा कथित तू संसार में सफल होना चाहता है, उतना ही तुझे नीचे गिरना पड़ेगा। परमात्मा के रास्ते में उतना ही वह अवरोधक होता है। इसीलिए तो तुम लोग जानते हो कि हिटलर, सिकंदर, क्रुश्चेव मरते समय बड़े दुखी होकर मरे हैं। क्या बुद्ध का भी सुना है दुखी हुए हैं मरते समय? क्या नानक देव भी दुखी मरते समय शरीर छोड़ते समय छटपटाए हैं? क्या तुमने सुना है कि गुरु गोविंद सिंह को जब इतने घायल कर दिए थे मारकर, क्या छटपटा रहे थे शरीर छोड़ते समय? यही अंतर है हिटलर में, लेनिन में, क्रुश्चेव में, सिकंदर में। बहुत धन कमाया लेकिन पश्चाताप था। दुनिया का सबसे धनी मनी आदमी फोर्ड जब मरने लगा तो उसके आंखों में आंसू आ गई। उसके करिंदे मैनेजर बेटे दौड़ कर आए, क्या कुछ कमी रह गई? कहा कमी तो बहुत रह गई, कहिए आपकी जो कमी रह गई हम लोग पूरा कर देंगे। कहा कि तुम पूरा नहीं कर सकते हो। मैं पूरे जिंदगी कंकड़ पत्थर इकट्ठा करते रहा, सोचा कि मैं अब इतने कंकड़ पत्थर हो जाएंगे, धन संपत्ति हो जाएगा तो मैं खुश रहूंगा, लेकिन अब मरते समय बहुत दुख में हूं। अब जब मैं जन्म लूंगा तो प्रार्थना करता हूं परमात्मा से कि मेरा जन्म जो है भारतवर्ष में हो और फकीरी का जीवन व्यतीत करूं। देखो उनकी कल्पना रही, और तुम लोगों का संयोग से भारतवर्ष में भी जीवन जन्म हो गया है और गुरु नानक देव के फकीरी के खानदान में भी हो गया है, तो लोग नहीं बिता रहे हो। रावण की उम्र 72 चौकड़ी था। 72 चौकड़ी समझता है? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, जब एक बात बीत जाता है तो एक चौकड़ी हुआ, इसका 72 बार, एक लख पुत्र सवा लख नाती। बड़ा विकास हुआ था लंका का, सोने की लंका बन गया था, पूरी दुनिया के अर्थ बाहर कर वहां जाते थे। क्या खुशहाल हो गया? मन के गहराई में वही वासना जमी हुई थी, अवर अवसर पाते ही प्रकट हो जाती है। इतने बड़े धनी बन जाओ लेकिन तुम भी खुशहाल नहीं रह सकता है,
यदि उस परमात्मा की कृपा दृष्टि तुम पर नहीं पड़ती है तो। नानक देखिए, एक एक वाणी बड़ी कीमती है, यदि एक भी उतार लो तो तुम्हारा काम चल सकता है, सबको पाठ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं उतारना चाहते हो इसलिए सबको पाठ कर लेता है। भगवान जो है गुणहीनों को गुण देता है, गुणवानों को और गुण दे देता है। सुने हैं, एक राजा भी था, 100 वर्ष का आयु जिया, 10 लड़के थे, सम्राट था। जब काल जमराज उसे आया लेने के लिए तो थोड़ा दया करके पूछ लिया, बोलो भाई हाउ आर यू, तुम कैसे हो? कहा कि आप का परिचय? कहा कि हम जमराज हैं, काल हैं। तो क्या करने के लिए आए हैं? तुझको ले चलने के लिए, मैं तुझे प्रेम करता हूँ। कोई काल से प्रेम करना चाहता है? काल एक तरफा प्रेम करता है तुमसे। कहा कि मैं प्रेम कर रहा हूँ, आप चलिए मेरे साथ। रोने लगे, कहा क्या हो गया? आपके 10 लड़के हैं, आप 100 वर्ष के हो गए, आपका बड़ा लड़का 75 साल का हो गया, छोटा लड़का भी आपका 50 साल का है, अब आप कितना दिन रहिएगा? कहा कि नहीं, बहुत काम सोचे थे, कुछ हुआ नहीं। कहा कितना दिन मिल जाएगा समय तो आप रह जाइएगा? कहा कि 100 वर्ष और मिल जाएगा तो हम रह जाए, हो जाता काम, पूरा हो जाएगा तो हाँ ठीक है चलिए, किसी लड़के से आप अपना उम्र ले लीजिए। बड़े लड़के को बुलाया कि भाई अपने दे दीजिए उम्र। कहा कि आपको क्यों दो, आप मर नहीं रहे, हम राजा कब बनेंगे? जिस लड़के से कहा था कि आप कब मरेगा, हम तो आपका मरने की इंतजार कर रहे हैं, हमारा उम्र बेकार जाएगा, हम बैठना चाहते हैं कुर्सी पर, आपको जो काम है बता दो। कहा कि यार हम कुछ जीना चाहते हैं। छोटा लड़का तैयार हो गया, दे दिया। फिर इस तरह से वो अपना 100 वर्ष रहे, फिर शादी किए, फिर 10 लड़के हुए। अब जमराज आया, कहा कि आप चलिएगा? कहा कि यार कुछ काम रह गया, कुछ रह ही गया अब। कहा फिर छोटे उम्र से ले लीजिए। इस तरह से फिर अपना ले करके 10 बार अपने लड़कों से लेते रहे, 1000 वर्ष जिया, 10 बार शादी किया, लड़के होते रहे। फिर जमराज आया तो कहा कि नहीं अभी कुछ काम रह ही गया, कि आपका काम तो सदैव रह रहा है, यह माने हम लोग पुनर्जननम पुनर्मरण बार बार जन्म लेते हैं, काम कहीं पूरा होता है? हम सोचते हैं कि कहीं जन्म लिए, जब से सृष्टि चली है तब से तू चला है, तब से कहीं काम करता है, शादी करता है, लड़का पैदा करता है, फिर शादी करता है वो लड़के का भी, फिर इम्प्लॉयमेंट करता है, फिर मरता है कुछ काम छोड़कर, फिर जन्म लेता है, फिर वही काम करता है, इसी चक्कर में हम करते हैं, दूसरा काम नहीं करते। फिर कहते हैं कि अपने कर्तव्यों को हम पूरा कर रहे हैं, जो जिस कर्तव्य को हम पूरा करने के लिए आते हैं वो नहीं पूरा हो रहा है। सबरी का नाम सुना होगा, सबरी कौन पढ़ी लिखी थी? कबीर साहब कहते हैं कि सबरी कब गीता पढ़ने गई, सबरी कहीं गीता पढ़ने गई, रामायण पढ़ने गई, और भगवान राम को उनके आश्रम में जाना पड़ा, और उसका जूठा प्रसाद, संत का जूठा प्रसाद ही पाते हैं पाए। तो मीरा कब पढ़ने गई? तो देखो गुणहीनों को वह गुण दे देता है, लेकिन गुणवानों को और गुण दे देता है। यदि गुणवान भी सार्थक है तो उसमें और गुण भर जाएगा। जैसे सुग्रीव, विभीषण, ये गुणवान थे और गुण दे दिया गया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, वह और गुण भर दिया। और रावण, 4 वेद 6 शास्त्र, 10 वह 10 एक साथ ही आता है, इसलिए उसे 10 कहते हैं, लेकिन गुणहीन हो गया। रावण जिस सिर को काट काट कर भगवान शंकर को दिया, तब उसे लंका मिला, और उस लंका को भगवान राम ने इसी तरह से उठा कर दे दिया, 1 मिनट में दे दिया विभीषण को ना। जिसके लिए बहुत हम त्याग तपस्या करते हैं, परमात्मा तुझे 1 मिनट में चाहे दे सकता है। कहते हैं कि प्रभु के अतिरिक्त और कोई नहीं है जो कोई गुण प्रदान कर सके, कोई देवी देवता नहीं है समझ लो। लेकिन हम लोग ज्योतिषी लोग क्या करते हैं, बड़ा देखते हैं कि फलाना देवता फलाना देवी, कभी जब भी कह रहे थे कि एक देवी देवी करना चाहिए, गुरु जी यह करना चाहिए, ज्योतिषी है ना। यहां पर गुरु नानक देव कहे कोई नहीं कर सकता है, सारे देवी देवता जो हैं उसी के प्रकाश से प्रकाशित हैं।
जैसे एक मंत्रिमंडल होता है, उस मंत्रिमंडल में सब जो है प्रधानमंत्री के ही पावर से शक्तिशाली होते हैं, जिसको जो चाहे छीन ले। तो लोग देखता है, कहता है कि निपुणों को भी वह बहुत बड़ा पद दे देता है, बहुत पढ़े लिखे भी घूमते फिरते हैं। तब बताओ वह परमात्मा कितना शक्तिशाली है, सारे ग्रह नक्षत्र देवी देवता उसी की शक्ति से शक्तिशाली है। इसलिए वो कहते हैं कि और कोई नहीं दे सकता है परमात्मा के अतिरिक्त। परमात्मा के अतिरिक्त हम लोग चारों तरफ जो खोजते हैं घूमते हैं, भिकमंगों की हाल है। यदि एक साधे सब सदे सब साधे एक जाय, हम लोग कहते हैं कि यह पद मिल जाएगा पालेंगे, फलाना अधिकारी हो जाएंगे तो पालेंगे जी, मंत्री हो जाएंगे तो पालेंगे, प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो पालेंगे, लेकिन सब पश्चाताप हाथ लगता है, समय की बर्बादी हाथ लगती है, कुछ नहीं मिलता है। और जन्मों जन्म से हम इतने रूठ हो गए हैं कि हम लौटने के राजी नहीं हैं, अतः शास्त्रों को पकड़ लेते हैं और उसको हम अपने अनुसार व्याख्या करने लगते हैं। जब जी साहब का भी हम लोग अपने अनुसार व्याख्या करके अपने को मन भर लेते हैं, सबको अपने अनुसार व्याख्या करके अपना अहंकार पूरा करते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि राम नाम निज औषधि, सदगुरु दई बताए, औषध खाए और पत्थर है ताकि वेदन जाए। कबीर साहब भी कहते हैं कि राम नाम की औषधि है, लेकिन वह औषधि तुम ऐसे दुकान से खरीद कर ले लेगा, वह राम नाम वो भी औषधि गुरु से मिलेगा, सतगुरु जब देगा तब उस औषधि को तुम खा लेगा और वह पथ जो है सारी वेदना को सारे दुखों को दूर कर देगा। बता भी देखते यही वेदना दुख औषधि खाओ, लेकिन इसको विश्वास छोड़कर हम अपने से सब पर विश्वास करते हैं। सदगुरु जो होता है अपने शिष्यों को सुनने के लिए तैयार करता है, सुनो, लेकिन बहुत बार देखते हैं कि लोग आते हैं मिलने हमसे, आएंगे बस कहना शुरू करेंगे, बोलना शुरू करेंगे, एक आध घंटा झेल पाते हैं, एक घंटा जैसे बोलते हैं एक घंटा हम तुम्हारा झेल सकते हैं, झेल लेते हैं, कहें कि अच्छा आप चलें, तो कहते हैं गुरुजी आपसे मिलकर बड़ा खुशी हुई। मैंने क्या खुशी हुई आपको, कहा कितना सत्संग हुआ, हम कि हम कह देते हैं कि सत्संग कहाँ हुआ, देश भर का कूड़ा कचरा बटोर कर लाया मेरे सिर पर फेंक दिया, अब तो फिर मेरा स्नान करना पड़ेगा ना, तो दुखी हो जाते तो गजब बाल हमने सत्संग हुआ कूड़ा कचरा फेंक दिया। तो यही हम करते हैं अक्सर, कहीं जाते हैं तो कुछ न कुछ बोलते रहते हैं,